नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 6 से एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 को। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिक्रीज्ड बाय 5। किसी नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से हमने 5 डिक्रीज का मतलब कम करना। अगर हमने 5 कम किया तो वी गेट 25, तो हमें 25 मिलता है। फाइंड द नंबर, तो वो नंबर फाइंड आउट करना है। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। हमने वो रिक्वायर्ड नंबर है वो एक्स कंसिडर कर लिया, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, उस नंबर को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 3x, फिर उसमें से 5 माइनस करो, तो 3x माइनस 5, इतना करने के बाद हमें क्या मिलता है, 25, तो इज इक्वल टू 25। अब इस माइनस 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का बन जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 25 और प्लस 5। सो 3x इज इक्वल टू 25 प्लस 5 30, ओके और x इज इक्वल टू, ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 30 अपॉन 3, 3 से 10 टाइम कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 10। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 10, ठीक है। वो नंबर क्या है आपका, 10। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, नोट डाउन। यस गाइस, अब हम सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोला कि सीमांस एज इज 3 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर। यानी कि आपको बोला है कि सीमा की जो एज है वो डॉटर की 3 टाइम्स से 3 इयर्स मोर देन है। इफ सीमा इज 30 इयर्स ओल्ड, सीमा है वो 30 साल की बता रहा है, फाइंड द एज ऑफ हर डॉटर, हमें उसकी डॉटर की एज बतानी है। लेट द डॉटर एज बी एक्स ईयर, हमने उसकी डॉटर की जो एज है वो एक्स ईयर कंसिडर कर ली। अब सीमा की प्रेजेंट एज क्या है, 30 इयर्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ सीमा इज इक्वल टू 30 इयर्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीमा की जो एज है वो डॉटर की 3 टाइम, दैट इज डॉटर की एज क्या है, एक्स, तो 3x 3 टाइम से 3 इयर्स मोर देन है, दैट मीन 3x प्लस 3 और प्रेजेंट एज क्या है उसकी 30, तो इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 3 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 30 माइनस 3, अब 30 में से 3 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 27 और x इज इक्वल टू 27 बाई 3, ये कैंसिल हो गया 9 टाइम, तो x इज इक्वल टू आ गया 9, तो इसका मतलब डॉटर की एज क्या है, 9 इयर्स। तो देयरफॉर द डॉटर एज इज 9 ईयर्स, ओके। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला है अ नंबर डिवाइडेड बाय 3 एंड डिक्रीज बाय 5 इज 6। किसी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करते हैं और उसमें से 5 डिक्रीज करते हैं तो हमें 6 मिलता है। What is number? वो नंबर क्या है? तो let the number be x, ठीक है। वो नंबर हमने क्या कंसिडर किया, x है, तो then according to question उस नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर x है, तो x by 3 और उसमें से 5 डिक्रीज करते हैं, दैट इज माइनस 5, तो हमें कितना मिलता है, 6 मिलता है, तो इज इक्वल टू 6।
अब इस 5 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 5 है प्लस का हो जाएगा, सो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 5, तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 11। अब देखो 3 डिवाइड में है तो इस साइड लेके आओगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 11 इंटू 3, 11 3 जा 33, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 33, तो वो नंबर क्या हो गया आपका 33। तो therefore the required number will be 33। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को लेते हैं। 4 में बोला है राजेश बाइज टू सेट फ्रॉम ए सोप एंड पेज द सोप कीपर रुपीज 500। राजेश है दो शर्ट एक दुकान से खरीदता है और दुकानदार को 500 रुपए देता है। द शॉप कीपर रिटर्न्स एन अमाउंट 100 रुपीज, यानी कि दुकानदार उसको वो 100 रुपीज रिटर्न करता है। एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एज एन इक्वेशन, इस सिचुएशन को हमें इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है। इफ द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज रुपीज एक्स, और एक शर्ट की जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज इक्वल टू रुपीज एक्स, कितनी शर्ट बाय करता है वो दो शर्ट, तो द कॉस्ट ऑफ टू शर्ट्स इज इक्वल टू टू शर्ट करता है तो एक्स प्लस एक्स रुपीज होंगे, दैट इज एक्स प्लस एक्स क्या होगा 2x। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कितने शर्ट खरीदता है दो शर्ट, तो उसका रेट क्या होगा 2x, और दुकानदार कितने रुपए रिटर्न करता है 100, और राजेश कितने पे करता है उसको 500, तो 2x प्लस 100 इज इक्वल टू 500। तो आपको सिर्फ यहां तक पूछा है, हम इसको आगे सोल्व करते हैं और उस शर्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसको सोल्व कर लो, 100 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का होगा, तो 2x के इक्वल में 500 माइनस 100, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 400, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 200। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू रुपीज 200, यानी कि उस शर्ट की एक शर्ट की जो कॉस्ट थी वो 200 हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, नोट इट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। 5 में बोला है 6 इयर्स अगो राहुल वाज 12 इयर्स ओल्ड, 6 साल पहले राहुल की एज 12 साल थी, हाउ ओल्ड इज राहुल नाउ। अब राहुल कितने साल का ये हमें बताना है, सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू एक्स इयर्स, राहुल की प्रेजेंट एज हमने क्या कंसिडर कर ली एक्स इयर्स, 6 साल पहले राहुल की एज क्या होगी, तो 6 इयर्स एगो एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू एक्स, एगो पूछता है तो एक्स में से माइनस करते हैं एक्स माइनस 6, क्योंकि 6 साल पहले का मतलब हम पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं इसका मतलब हम माइनस करते हैं, तो 6 साल पहले राहुल की एज होगी एक्स माइनस 6 इयर्स। ठीक है, तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 साल पहले राहुल की एज कितनी थी 12 साल, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 12। अब इस 6 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल में आ जाएगा 12 प्लस 6, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 18, तो x के इक्वल में कितना है 18, और x किसको कंसीडर किया प्रेजेंट एज को, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 18 इयर्स। ठीक है, राहुल की प्रेजेंट एज क्या है 18 इयर्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ
हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।